नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। आज की सबसे पहली खबर, लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, 27 नवंबर के बाद ही बाहर निकलने की उम्मीद। आपको बता दें कि दुमका ट्रेजी से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। 27 नवंबर तक सुनवाई टली है। सीबीआई ने कोर्ट में सुनवाई के लिए वक्त मांगा था। अब दिवाली छठ से पहले लालू प्रसाद के बाहर आने की अटकलों पर विराम लग गया है। राजद नेता तेजस्वी ने कहा था कि मेरे जन्मदिन पर लालू प्रसाद जमानत पर बाहर आ जाएंगे और नीतीश कुमार विदाई हो जाएगी। लालू प्रसाद के वकील ने याचिका के जरिए दलील दी है कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में इन्होंने आधी सजा काट ली है, इस वजह से उनकी जमानत याचिका को मंजूर किया जाए। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का चुनाव 7 नवंबर यानी आज होना है। इस चरण में 1204 उम्मीदवार और 2,35,00,000 मतदाता करेंगे फैसला। जी हां, बिहार चुनाव के तीसरे चरण में कुल 1204 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपने ताल ठोक रहे हैं, जिसमें कुल 110 महिला प्रत्याशी भी शामिल है। आखिरी चरण में बिहार के 15 जिलों के कुल 78 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होने वाली है। इनमें दर्जनों सीट ऐसी है जिस पर वीआईपी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। प्रचार खत्म होने से 18 मिनट पहले प्रधानमंत्री ने लिखा, बिहार के विकास के लिए मुझे नीतीश सरकार की जरूरत। आपको बता दें कि बिहार चुनाव के आखिरी चरण का प्रचार गुरुवार को समाप्त हो गया। आखिरी दिन के प्रचार से दूर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लोगों के नाम पत्र लिखा है। बिहार के भाइयों और बहनों के नाम मेरा पत्र के माध्यम से अंतिम दिन के प्रचार में अपनी मौजूदगी दिखाने की कोशिश की। पीएम ने कहा, बिहार का विकास अटके नहीं, इसके लिए उन्हें बिहार में नीतीश कुमार की जरूरत। पीएम ने अपने 4 पन्नों की चिट्ठी में बिहार में एज ऑफ लाइफ यानी बिहार वासियों के जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ाए जाने की बात कही है। इसके लिए उन्होंने बिहार में सीएनजी आधारित टैफी व्यवस्था लाने की बात कही है। बिहार को ऊर्जा गंगा योजना का अहम हिस्सेदार बताते हुए उन्होंने राज्य में गैस बेस्ड इकोनॉमी की विकसित करने की बात कही है। बिहार में मौसम की बात करें तो 5 दिनों में 6 डिग्री गिरा न्यूनतम तापमान, दिन में भी मौसम हुआ सर्द। नवंबर महीना शुरू होते ही तापमान में तेजी से गिरावट हो रही है, इसकी वजह से रात के साथ अब सुबह शाम भी मौसम सर्द हो गया है। पिछले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज हुई है, वहीं पर दिन में भी पारा 3 डिग्री गिरा है। इसके साथ पश्चिम की तरफ से 13 से 17 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आने वाली हवाओं की वजह से दिन में धूप होने के बाद भी तपिस कम रही है, इससे लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक नवंबर के अंतिम सप्ताह तक दिन और रात के तापमान में अभी 15 से 17 डिग्री के अंदर बना रहेगा, इससे रात में गलन का एहसास नहीं होगा, लेकिन रात में चलने वाली ठंडी हवा से मौसम शाम से लेकर दूसरे दिन सुबह तक सर्द ही बना रहेगा। पटना में ईडी की बड़ी कार्रवाई, पीएमसीएच के पूर्व अधीक्षक की 3,14,00,000 रुपए की संपत्ति जब्त। ईडी ने पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पूर्व अधीक्षक ओपी चौधरी के खिलाफ धन शोधन संबंधी जांच में 3,00,00,000 रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की है। जांच एजेंसी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि जांच में पाया गया कि 2008, 2009 और 2009-10 के दौरान पीएमसीएच के अधिकारियों द्वारा दवाइयां, रसायन, उपकरण और मशीन स्थानीय विक्रेता तथा कमीशन एजेंसी से खरीदे गए और इस संबंध में निर्धारित दिशा निर्देश का उल्लंघन किया गया। ईडी ने आरोप लगाया है कि तत्कालीन अधीक्षक ओपी चौधरी और पीएमसीएच के अन्य अधिकारियों ने दवाइयों, मशीनों और उपकरणों को उच्च दर पर अधिक मात्रा में खरीदा था, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। तो चलिए अब बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर। तो बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है। बिहार में पिछले 24 घंटों में 746 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 2,20,992 तक पहुंच गई है। बिहार में फिलहाल 7,572 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। दूसरी तरफ राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 228 नए मामले सामने आए हैं।
बता दें कि राज्य में पिछले 24 घंटों में 8 लोगों की कोरोना से जान चली गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1121 तक पहुंच गया है। बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि महज 24 घंटों के भीतर 467 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य के लोगों के लिए खुशखबरी है, दिवाली व छठ पूजा के लिए पटना से 5 जोड़ी ट्रेन और चलेगी। जी हाँ, दिवाली और छठ महापर्व में यात्रियों की सुविधा के लिए पहले से घोषित ट्रेनों के अलावा 5 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन होगा। पूर्व मध्य रेल की ओर से 10 नवंबर से 2 दिसंबर तक पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि पर्व में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए पटना से 5 जोड़ी समेत कुल 6 जोड़ी और ट्रेनें चलाने का फैसला लिया गया है। इससे यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। जानकारी के अनुसार धनबाद पटना पूजा स्पेशल ट्रेन 10 से 30 नवंबर तक चलेगी। यह ट्रेन गाड़ी संख्या 13329 के मार्ग ठहराव व समय सारणी के अनुरूप चलेगी। वहीं पटना धनबाद स्पेशल 11 नवंबर से 1 दिसंबर तक गाड़ी संख्या 13330 के अनुरूप चलेगी। इस ट्रेन में कुल 22 कोच ही होंगे। वहीं बरका काना पटना पूजा स्पेशल 10 से 30 नवंबर के बीच चलेगी, जबकि पटना बरका काना पूजा स्पेशल 11 नवंबर से 1 दिसंबर तक चलेगी। सिंगरौली पटना पूजा स्पेशल 10 से 30 नवंबर तक, जबकि पटना सिंगरौली पूजा स्पेशल 11 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच चलेगी। राज्य के लोग सावधान हो जाइए, पटना के कई इलाकों में तेजी से बढ़ रहा है डेंगू का प्रकोप। राजधानी पटना के कांकड़ बाग, शास्त्री नगर, मंदिरी, इंद्रपुरी, ट्रांसपोर्ट नगर, महेंद्रो आदि इलाकों में डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है। वहीं पटेल नगर, रूपसरपुर, आरपीएस मोड़ से भी डेंगू के मरीज मिलने शुरू हो गए हैं। यहां तक कि वर्तमान सिविल सर्जन के परिवार के एक सदस्य व पूर्व सिविल सर्जन व क्षेत्रीय अपर स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर आरके चौधरी के भी डेंगू संक्रमण की चपेट में आने की बात विभाग के कर्मी कर रहे हैं। कई मरीज जांच कराने पीएमसीएच, आईजी, आईएमएस और निजी अस्पतालों व लैब में पहुंचने लगे हैं। आपको बता दें कि बुखार से पीड़ित कई मरीज जब कोरोना के संदेह में अस्पताल जा रहे हैं तो उनको डेंगू निकल रहा है। और अगली बड़ी खबर, बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 की डेट शीट में किया बदलाव। जी हां, बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट 2021 की परीक्षा में बदलाव किया है। अब इंटर परीक्षा 1 फरवरी से 13 फरवरी तक होगी, जबकि पहले यह 2 फरवरी से 13 फरवरी तक होनी थी। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर के अनुसार अपरिहार्य कारणों से वार्षिक परीक्षा के तीनों संकाय की परीक्षा तिथि में परिवर्तन किया गया है। पहले दिन भौतिक विषय की परीक्षा ली जाएगी। हर दिन प्रथम पाली में परीक्षा सुबह 9:30 से 12:45 तक ली जाएगी। वहीं दूसरी पाली 1:45 से 5:00 तक ली जाएगी। अगली बड़ी खबर, बिहार के मेडिकल कॉलेज में रजिस्ट्रेशन कल से। बिहार के मेडिकल कॉलेज में नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 7 नवंबर से शुरू हो जाएगी। गुरुवार को बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद ने राज्य के मेडिकल कॉलेज के 85% सीटों पर नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि जारी कर दी है। नीट यूजी 2020 में सफल छात्र 13 नवंबर रात 12:00 तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मेरिट लिस्ट में 17 नवंबर रात 8:00 जारी की जाएगी। काउंसलिंग तिथि बाद में जारी की जाएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन bcecboard.bihar.government.in पर कर सकते हैं। वोटिंग से ठीक पहले तो बड़ा झटका, विधायक राज किशोर सिंह ने दिया इस्तीफा। बिहार विधानसभा चुनाव में आखिरी चरण का मतदान शनिवार यानी आज होने वाला है। तीसरे चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले जनता दल यूनाइटेड को एक बड़ा झटका लगा है। जेडीयू विधायक राज किशोर सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जनता दल यूनाइटेड की ओर से टिकट काटे जाने के बाद विधायक राज किशोर सिंह काफी नाराज चल रहे थे। उनके कार्यकर्ताओं में भी काफी नाराजगी देखी जा रही थी, लेकिन मतदान से ठीक एक दिन पहले उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देकर एक बड़ा संकेत दिया है, जिसका असर वोटिंग में दिखने को मिल सकता है। राज्य में बीजेपी विधायक के घर पर पुलिस की छापेमारी, पैसा बांटने का आरोप। खबर मुजफ्फरपुर की है। बीजेपी उम्मीदवार के घर पर पुलिस ने छापेमारी की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि वह पैसा बांट रहे हैं। बताया जा रहा है कि कोढ़नी विधायक केदार गुप्ता वर्तमान में विधायक है, फिर से वह चुनावी मैदान में है। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि वह घर पर पैसा बांट रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने रेड किया है। बताया जा रहा है कि छापेमारी के लिए सिटी एसपी, डीएसपी समेत कई थानों की पुलिस पहुंची थी।
अगली बड़ी खबर, शहीद गोपाल शर्मा को दी गई अंतिम विदाई, उमड़ा जन सैलाब। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शहीद हुए जवान गोपाल शर्मा का पार्थिव शरीर कल जहानाबाद के कल्पा गांव पहुंच गया। अपने शहीद बेटे की एक झलक पाने के लिए लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। सीआरपीएफ के अधिकारी और जवान आखिरी विदाई देने के साथ हैं। बता दें कि जहानाबाद के कल्पा गांव के लाल सीआरपीएफ में कार्यरत गोपाल उर्फ सोनू छत्तीसगढ़ में शहीद हो गए थे। छत्तीसगढ़ सीआरपीएफ में कार्यरत गोपाल उर्फ सोनू नक्सलियों द्वारा बिछाए गए बिजली के तार की चपेट में आ गए, जिससे वो पूरी तरह से झुलस गए और इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। दिसंबर में गोपाल की शादी होनी थी, सभी तैयारियां पूरी हो गई थी, पर वह जल्द ही घर आने वाले थे, पर उससे पहले यह मानुष खबर आ गई। नीतीश का आखिरी चुनाव, जेडीयू बोला रिटायर नहीं हो रहे नीतीश कुमार, वे तो इस चुनाव का जिक्र कर रहे थे। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि राजनीति करने वाला व्यक्ति कभी रिटायर नहीं होता है। नीतीश कुमार ने कभी राजनीति या चुनाव से हटने की बात नहीं की, वे तो यह कह रहे थे कि इस चुनाव का आज उनका आखिरी प्रचार था। जेडीयू के प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि नीतीश कुमार राजनीति में बने रहेंगे, जनता जब तक चाहेगी तब तक वे लोगों की सेवा करते रहेंगे। जीतन राम मांझी का विपक्ष पर हमला, ना बाहर आएंगे लालू और ना बनेगी आरजेडी की सरकार, ख्याली पुलाव पका रहे थे तेजस्वी। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव के नतीजे से पहले ही आरजेडी की सरकार बनने का दावा ठोक दिया है। तेजस्वी ने कहा था कि 9 नवंबर को लालू यादव जेल से बाहर आएंगे और 10 नवंबर को बिहार में आरजेडी की सरकार बनेगी, लेकिन हम के मुखिया जीतन राम मांझी को यह बात रास नहीं आई। उन्होंने लालू यादव मामले में सुनवाई टलने की बात पर बड़ा हमला बोला है। मांझी ने तेजस्वी के इस बयान का जवाब देते हुए कहा कि ना 9 नवंबर को लालू जी जेल से छूटेंगे और ना 10 नवंबर को उनकी सरकार बनेगी। पूर्व सीएम मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव जी, 9 नवंबर वाला फैसला तो आज ही आ गया और 10 नवंबर का फैसला भी जनता ने कर दिया है। तो इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब